नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अचलपुर नगर परिषद के पार्षद पप्पू पठान यह ठिकरीपुरा बियाबानी यहां पर अपने वार्ड में साफ सफाई का निरीक्षण करने गए थे, जिसे देखकर शुभम कुंडी गोर इसने गाली गलौज कर कहा कि तू हमारे एरिया में क्यों आया। दोनों की भाषाबाजी होने लगी। देखते ही देखते शुभम ने पप्पू पठान पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसके साथ केसरी राणे, विजय टाल और दो लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में पप्पू पठान की पेट पर गहरा जख्म है। वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जंजाल मैडम ने प्रथम उपचार कर अमरावती के लिए रेफर किया। जानकारी के अनुसार पप्पू पठान का इलाज अमरावती में चल रहा है। अचलपुर के थानेदार आधार सिंह सोनोने ने अपने कर्तव्य बजाकर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि दो आरोपी अभी भी फरार है। थानेदार सोनू ने इन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पब्लिक को शांत किया और जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसकी वजह से अभी माहौल ठीक है। 10 बजे दरमियान नगर शुभ पठान आणि एक मित्र समाजाचा मुलगा शुभम कांबळे यांचे मारामारी झाल्याची माहिती पोलिसांना प्राप्त झाली आणि त्या ठिकाणी बराचसा जमाव झाला ती माहिती मिळाली। त्यानुसार कारवाई करून अशी माहिती प्राप्त झाली पोलिसांना का नगरचे पप्पू पठान याला शुभम कुंडाभोर यांनी चाकू मारून जखमी केलेले आहे। त्या माहितीवरून हॉस्पिटलमध्ये दाखल पप्पू पठान यांना त्वरित जखमीचं स्वरूप पाहून जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे भरती केले आणि हल्ला करणारा शुभम कुंडाभोर यांच्यासोबतचे दोन लोक यांना ताब्यात घेतलेले आहे आणि पप्पू पठान यांचा भाऊ ज्यांनी घटना पाहिली त्यांच्या जबानी रिपोर्टवरून 307/34 बाधीप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। वैद्यकीय अधिकारी ने 7 से 10 दिन का आराम की सलाह दी है। पुलिस स्टेशन अचलपुर ने आरोपियों पर कलम 307 और 34 दाखिल किया है। आगे की जांच थानेदार आधार सिंह सोनू ने कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुभम ने 2-3 महीने पहले भी पप्पू पठान को जान से मारने की धमकी दी थी। बता दी कि केसरी राणे और विजय टाल दोनों नगर परिषद के कर्मचारी है और नाली साफ सफाई के ही कारण यह मामला हुआ है। इस हमले में एक गाड़ी की चकनाचूरी हुई है। जख्मी पप्पू पठान के भाई सत्तार बिस्मिल्ला खान इन्होंने फिरियाद की है। फिलहाल अचलपुर में शांति का माहौल है। थानेदार के कर्तव्य की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। अचलपुर की जनता थानेदार आधार सिंह सोनू ने का धन्यवाद मान रही है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी गिरीश बापट के आदेश के मुताबिक मलकापुर MIDC पुलिस स्टेशन के थानेदार माधवराव गरुड़ द्वारा मलकापुर की सीमा में नियमित रूप से नाकाबंदी की जा रही है। 11 जुलाई 2018 को शाम 4 बजे के बीच ट्रक क्रमांक MH43E8346 संदिग्ध रूप से जा रहा था कि उस ट्रक को रोककर पुलिस ने जांच की, तब उसमें विमल गुटखा से भरी करीबन 150 बोरे जिसकी कीमत 34,20,400 रुपए बताई जाती है जब्त की गई। साथ ही 6 लाख कीमत का ट्रक जब्त किया गया। इस तरह उपरोक्त कार्रवाई में पुलिस ने 40,20,200 रुपए का माल जब्त किया। साथ ही दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। आज 11 जुलाई रोजी मलकापुर उप विभाग मध्य MIDC पुलिस स्टेशन चाहती पुलिस निरीक्षक माधवराव गरुड़ यांनी नाकाबंदी करीत असताना एक ट्रक MH43-8346 मिळून आला। तो चेक केला असता त्यामध्ये साधारण 34 लाख रुपयाचा गुटखा मिळून आला आणि सर्व गुटखा हा बेकायदेशीररित्या अकोला येथे जात होता। यामधील ड्रायव्हर आणि क्लिनर हे नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव या गावाचे होते आणि त्या संबंधाने सर्व तो गुटखा जप्त केलेला आहे आणि अन्न व औषध प्रशासन या विभागाला माहिती देण्यात आली। त्याप्रमाणे आता पुढील कारवाई आम्ही करीत आहोत। दर्यापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम खल्लार में ग्राम पंचायत की अनदेखी से ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्राम पंचायत में 35 से 40 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बड़ी थाट बाट के साथ सदस्यों द्वारा शपथ विधि कार्यक्रम लिया गया। इस दौरान नागरिकों की समस्याएं तथा उनके मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की शपथ ली गई थी, लेकिन सरपंच तथा सचिव और ग्राम सेवक की लापरवाही से ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधा तथा शासकीय लाभ नहीं मिल पाया। ग्राम पंचायत चुनाव के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन गांव में घरकुल के नाम पर बांटे गए 30,000 के चेक के बारे में भी सरपंच तथा सचिव अनभिज्ञ है। जिला परिषद CEO मनीषा खत्री ने जब खल्लार ग्राम का दौरा किया तब उनके सामने सरपंच तथा सचिव किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके।
सीईओ मनीषा खत्री ने खुद पैदल चलकर गांव का मुआयना किया, जहां चारों ओर गंदगी देखकर उनके भी आंखें भर आई। एक महिला अधिकारी गांव में पैदल घूमकर गांव स्वच्छ बनाने की योजना बनाती है, तो दूसरी ओर गांव के ही सरपंच, सचिव, ग्राम सेवक गांव को सुंदर स्वच्छ नहीं बनाना चाहते। ऐसे में प्रशासन को इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देकर निष्क्रिय ग्राम पंचायत सदस्यों तथा पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की जरूरत आन पड़ी है। दरियापुर से हमारे संवाददाता नासिर शाह की यह खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय विश्व हिंदू किन्नर समिति के अध्यक्ष आम्रपाली नीलू जोगी द्वारा पत्र वार्ता कर बडनेरा पुलिस पर आरोपी वहीदा इब्राहिम खान वो उस्मान अली के टोली के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। वही वहीदा खान वो उस्मान अली के गुंडाई की जानकारी देकर इस टोली से हमारी रक्षा करो यह गुहार पुलिस महकमे में लगाई गई। वहीदा की टोली आपराधिक तत्वों की टोली है, जो किन्नरों पर लैंगिक अत्याचार कर उनसे गहने व पैसे लूट लेते हैं, और बडनेरा पुलिस भी रिश्वतखोरी के चक्कर में आरोपियों का साथ देती है, यह आरोप इस प्रेस वार्ता दरमियान लगाया गया। बडनेरा निवासी वहीदा खान की टोली किन्नरों को पकड़कर उन पर अत्याचार करती है, आपराधिक तत्वों के साथ संबंध बनाने को मजबूर करती है। गत 25 वर्षों से यह अन्याय किन्नर सह रहे हैं, लेकिन अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, हम अन्याय के खिलाफ रास्ते पर उतरेंगे, वक्त आने पर पुलिस को भी कर्तव्य याद दिलाएंगे, यह भी बात एक प्रेस वार्ता में की गई। हम लोगों पे ये अत्याचार हुआ कि हमारे साथ लूटमारी हुई है, हमारे को फिजिकली तौर पे डिस्टर्ब किया गया है, वहाँ से हमारे साथ लैंगिक संबंध बनाया गया है और हमको धमकी दी जाती है, हम इसके ऊपर लड़ रहे हैं हमारे हक के लिए कि हमारे साथ ये जाब्ते ना हो, इसलिए हम न्याय चाहते हैं, हमें अन्याय से छुटकारा चाहिए। और ये जो हमने कंप्लेंट लेके गए थे पुलिस थाने में, तो पुलिस वालों ने इतनी कोई कार्रवाई नहीं ली। उसके बाद हम लोग सीओ के ऑफिस में गए आंदोलन करने के लिए, उसके बाद में 24 घंटे के लिए अंदर डाला गया, उसके बाद में उसके लड़के लोग हमें आके सता रहे हैं, रातों में घर के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, हम लोग बहुत ही डरे हुए हैं और हम लोग को अभी भी हमारी जान के लिए बहुत धक्का है कि देखो पहले मेरे को चाकू रख के उन्होंने गले की पोत और पैसे छीन के ले गए और मेरे साथ लैंगिक संबंध बनाए हैं। तो मैं ना चाहती हूँ, मुझे डर है कि मेरे साथ ऐसा ना हो, मैं अकेले निकलने के लिए भी डरती हूँ। तो मैं सरकार से यही विनती चाहती हूँ कि हमारे को न्याय दो, सरकार से यही चाहती हूँ कि वो हमें इस देश के नागरिक समझ के हमें न्याय दो, और कुछ नहीं चाहती हूँ। मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की हे किन्नरांवर जिथे अत्याचार होते ते कुठेतरी थांबायला हवे, गव्हर्नमेंट पोलीस कुठेतरी याला कुठेतरी थांबायला असून तिला शिक्षा व्हायला पाहिजे। फक्त 24 घंट्याची शिक्षा देऊन ते नाही चालणार, कारण की एवढे मोठे गुन्हे केल्यावर तिला कुठेतरी शिक्षा द्यायला पाहिजे। आणि यांच्यावर खरोखर तिने केलेल्या अत्याचारांचे गव्हर्नमेंट तिला विचारपूस सगळं करून तिला शिक्षा द्यायला पाहिजे, बस। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहितों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र,
समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय, संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र अंबादेवी मार्केट अंबादेवी अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। अनुसूचित जमाती के छात्राओं को महाराष्ट्र शासन द्वारा शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क माफ किया गया है, लेकिन बावजूद इसके वसंतराव नाईक महाविद्यालय धारणी में आदिवासी छात्राओं से महाविद्यालय प्रवेश फी 1400 रुपए ली जाती है, लेकिन उनको 748 की रसीद दी जाती है। इस बाबत नागरिकों के पास चित्रफित तथा सबूत भी मौजूद होने की बात सामने आई है। इस संदर्भ में इस विद्यालय की जांच कर इस विद्यालय पर कार्रवाई करने की मांग मेलघाट इलाका पारंपरिक ग्राम सभा संगठन ने की है। इस बाबत मांग का ज्ञापन कुलगुरु तथा जिलाधीश को सौंपा गया। आज हम धारणी के वसंतराव नाईक कॉलेज जिसमें फीस के संबंध में तकरार देने के लिए आए। ये शासन निर्णय है 19 अगस्त 2017 का, कि जिसमें कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों से एक संपूर्ण छूट है फीस के संदर्भ में, फिर भी धारणी के वसंतराव नाईक कॉलेज फीस ले रहे हैं। वहाँ पे विद्यार्थियों से फीस ले रहे हैं, फीस के संदर्भ में क्या हो रहा है कि वहाँ पे 1400 फीस है टोटल, लेकिन फिर भी 748 रुपये के पावती देते हैं आणि 1400 रुपये संपूर्ण वसूल करते। इस संदर्भ में हम तक्रार देने के लिए आज कलेक्टर साहब माननीय कुलगुरु साहब को भी निवेदन दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किसानों के हित में जून 2017 में कर्ज माफी की घोषणा की गई। इस संदर्भ में बैंकों को आदेश भी दिए गए और तो और बैंक द्वारा किसानों को नया कर्ज उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए, लेकिन किसानों को ना तो कर्ज माफी मिली ना तो नया फसल कर्ज उपलब्ध हुआ। इसका मतलब सरकार ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, ऐसा आरोप कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग प्रहार जनशक्ति संगठन ने की है। आज मुख्यमंत्री अधिवेशनामध्ये सांगते, वारंवार सांगते, मुख्यमंत्री साहेब सांगते, पालकमंत्री सांगते का कर्जमाफी झाली, आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली। परंतु जेव्हा मी ग्रामीण भागामध्ये काम करतो तेव्हा उन्हाळी खेड्यामध्ये गेलो तर शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत कर्जमाफी झाली नाही आणि शेतकऱ्यांची अशी फसवणूक केली, तीच मागणी घेऊन आज आम्ही कलेक्टर साहेबाकडे आलो। का बँकवाले खोटे बोलते का मुख्यमंत्री खोटे बोलते, माझ्यासोबत पुरुषोत्तम राऊत, सुधाकरराव पाटील, अशोक अमृतराव अलोने या लोकांनी तुम्हाला कर्जमाफी म्हणून झाली म्हणून असं बँकेंनी सांगितलं आणि फेब्रुवारी महिन्यात 17 सालात यांनी वरचे पैसे भरून घेतले यांच्यापासून, परंतु अजूनपर्यंत या बँकेच्या एरझारा मारू यांना कर्ज मिळालं नाही। यांनी सोनं गहाण ठेवून ते कर्ज फेडलं, परंतु अजूनही आज शेतपेरणीची वेळ आली, यांना कर्ज मिळालं नाही, त्यामुळे यांची शेतीसुद्धा पडीत राहिलेली आहे। तेच आज कलेक्टरना आम्ही मागणी केली का मुख्यमंत्री जर खोटे बोलत असेल तर मुख्यमंत्री साहेबांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, जर केला नाही तर या शेतकऱ्यांच्या सोबत आम्ही बँकेच्या समोर 8 दिवसात उपोषणाला बसणार आहे। इस संदर्भ में अपनी मांगों का ज्ञापन जिल्हाधीश को सौंपा गया। इस दरम्यान सैकड़ों किसान भी मौजूद थे। 30 तारीख नंतर गेलो तो अजूनही ते म्हणे का अजून जीआर यायचाच आहे, अजून जीआर अजून शक्य नाही आहे म्हणे यार। मग काही तारीख दिली नाही, अजून मी गेलो नाही मग नंतर मला पाचशे घुसणे बासणे घेऊन पैसे ती करली भाऊ। किसानों को नया फसल कर्ज तो छोड़ो, लेकिन गत वर्ष की कर्ज माफी भी नहीं दी गई, इसलिए किसानों के हित में प्रहार जनशक्ति पक्ष तीव्र आंदोलन करेगा, ऐसा इशारा प्रहार शेतकरी संगठन जिला प्रमुख मंगेश देशमुख ने दिया। 19 लाख सरकारी निम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर 7, 8 तथा 9 अगस्त को हड़ताल करेंगे, ऐसा इशारा देकर अपनी मांगों का ज्ञापन संगठना द्वारा जिलाधीश को सौंपा गया। इस हड़ताल का निर्णय 24 जून को नासिक में हुई मध्यवर्ती संगठना के कार्यकारी मंडल द्वारा लिया गया। राज्य के कर्मचारी व शिक्षक पिछले 2 वर्षों से 7वां वेतन लागू करने की मांग कर रहे हैं और अंशदायी पेंशन योजना रद्द कर जूनी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी की जा रही है, लेकिन शासन इसकी ओर अनदेखी कर रहा है। इस वजह से अपनी विविध मांगें पूरी करने हेतु राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठना 3 दिवसीय हड़ताल करेगा, ऐसी जानकारी दी गई।
बक्षीस समितीचा आवाज आल्यानंतर सातवा वेतनाला लागू करण्याचे आश्वासन आम्हाला दिलं आहे. त्यानंतर रिक्त पदा भरण्याच्या बाबतीत 72,000 रिक्त पदं भरण्याची शासनानं धोरण केलं आहे. त्यामध्ये 36,000 पदं या वर्षा भरण्यात जाहीर केलं आहे आणि त्याहीमध्ये ते जे 36,000 पदं भरणार आहेत ते 36,000 पदं 5 वर्षासाठी कंत्राटी पदांना म्हणजे ठेवणार कंत्राटी म्हणजे सामायिक मानधनावर ठेवणार आहेत. तर आमचा त्याला विरोध आहे. कारण कसं आहे की बेरोजगारी आणि जास्त संख्या वाढली आहे, त्यांना नियमित सेवेत घ्यावं अशी आमची भूमिका आहे. त्यानंतर अनुकंपा तत्वावरची भरती आहे. अनुकंपा तत्वावरचे बरेचसे उमेदवार आज वेटिंग लिस्टमध्ये आहेत. त्यांना जवळजवळ 10-10, 15-15 वर्ष झाले आहेत, ते त्यांना सेवा मिळेल नाही. त्यांना सुद्धा सेवेत घेण्यात यावं असं आमचं म्हणणं आहे. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल VCN न्यूज़. नमस्कार.